हेलो एवरीवन, वैसे जा रहा हूँ गुवाहाटी, कुछ काम से जा रहा हूँ। वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, फिर सोचा वीडियो बना ही लूँ। सुबह जो ट्रेन से जाना था वो ट्रेन कैंसिल, और वीडियो बनाने का रीज़न है कि मैं पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस से जा रहा हूँ, जो नॉर्थ ईस्ट में रिसेंटली 29 मई 2023 को रिसेंटली ओपनिंग हुआ है, जो नॉर्थ ईस्ट में चलेगा ये पहला वंदे भारत एक्सप्रेस। तो सोचा हूँ 1-2 मिनट का व्लॉग बना दूँ, यही रीज़न है। तो अभी फिलहाल स्टेशन में पहुंच गया हूँ। मेरा ट्रेन नंबर है 2227 और मैं जाऊँगा गुवाहाटी तक। और ये न्यू जलपाईगुड़ी से आता है ये वंदे भारत, और इसका कौन सा स्टेशन में स्टॉपिज है मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगा, आप स्क्रीन में देख पाएंगे कौन सा जगह पे स्टॉपिज है। तो अभी ट्रेन आएगा 9:14 को और हम लोग गुवाहाटी पहुँचेंगे अराउंड 11:40, ऐसा दिया हुआ है नेट पे फिलहाल। तो ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका है और वो आएगा प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, तो अभी हम लोग को जगह चेंज करना पड़ेगा। हम लोग का इकोनॉमी क्लास है, तो अनाउंसमेंट ने कहा है इकोनॉमी क्लास मिडिल में होगा, तो अभी उधर ही जाना है। तो आ गया हम लोग का वंदे भारत, धीरे धीरे धीरे। और यहाँ में हम लोग को अपना कोच ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। सर जी, E1 आगे है क्या? E1 पीछे है। आखिर में हमें E1 कोच मिल चुका था। हम लोग का सीट 9 और 10 था, जो कि विंडो और आइल था, और सीट काफ़ी ज़्यादा आरामदायक था। लोकनाथ ब्रह्म दीदी मुसार। ट्रेन चालू होने का कुछ ही सेकंड्स बाद टीटी हम लोग का टिकट चेक करके चला गया था, और उसके बाद हमें मिला 1 लीटर का वाटर बोतल विद कफ, जिसमें वंदे भारत का एक बढ़िया सा फोटो लगा हुआ था। उसकी थोड़ी देर बाद ही हम लोग का गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट भी आ चुका था। वैसे रिजर्वेशन करने के टाइम में ही ब्रेकफास्ट लंच का पैसा एक ही बार में दे देना पड़ता है। और ये रहा हम लोग का ब्रेकफास्ट। वैसे ब्रेकफास्ट एवरेज था, ना ज़्यादा खराब ना ज़्यादा अच्छा, ओवरऑल सब ठीक ठाक ही था। ट्रेन का स्पीड 110-111 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा था। ट्रेन अंदर से बहुत ही क्लीन था, और चांस मिलते ही मैं एक छोटा सा टूर भी ले लिया था। सीट के आगे पैर रखने के लिए जगह दे रखा था, जो बहुत ही कंफर्टेबल था। और सीट के नीचे के राइट साइड के कॉर्नर में एक स्विच दे रखा था, जिससे आप अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकती हो। और ऊपर में दे रखा था रीडिंग लाइट। टॉयलेट की बात करें तो यहाँ बहुत ही ज्यादा क्लीन हो रखा था।
यहाँ फ्लश के लिए भी इंस्ट्रक्शन दे रखा है। ग्रीन का मतलब फोर्किंग और रेड का मतलब आउट ऑफ ऑर्डर। और देखते ही देखते हम लोग का स्टॉपेज भी आ चुका था। ओवरऑल वंदे भारत का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, इंडिया का सेमी बुलेट ट्रेन।